मोदी सरकार की जानिब से गरीब अफराद में सिर्फ 500 रुपए तकसीम करने पर भारतीय सिख बरहम हो गया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। 500 रुपए के लिए लाइनें लगवाकर गरीबी का मजाक उड़ाने पर भारतीय सिख मोदी हुकूमत के खिलाफ भड़क उठा। तफसीलात के मुताबिक जैसे पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा के बायस लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार होने वाले मजदूरों को माली मदद फराहम करने के लिए हुकूमतों की जानिब से माली इमदाद दी जा रही है, पाकिस्तान इस जमन में अपने मजदूर तबके को 12,000 रुपए फराहम कर रहा है। वहीं भारत में भी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से माली इमदाद देने का ऐलान किया गया। ताहम 500 रुपए के लिए लाइने लगवा कर गरीबी का मजाक उड़ाने पर भारतीय सिख की मोदी हुकूमत के खिलाफ दुहाई देने की वीडियो वायरल हो गई है। वायरल होने वाली वीडियो में भारतीय सिख का दुहाई देते हुए कहना था कि ऐवानों में बैठकर इक्तदार का मजा लूटने वाले सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए जो 500 रुपए के लिए लाइनें लगवाकर गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। सुबह सादिक से लोग यहां 500 रुपए के हसूल के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, जिनके लिए ना तो कोई साय का इंतजाम है और ना ही पानी का। सिख भाई ने मजीद क्या कहा, आप भी सुने। दूजिया नू भी बीमारी लगूगी ते जिम्मेवारी तुसीं चुकोगे मोदी साहब, मैं तुहाडे गाड़ी मैं सवाल करना चाहुंदा वां। भाई साहब ये सारे सरकार दे जेड़े दावे है ना, सारे सब खोखले दावे आ कि राशन पहुंच गया वा, सारा कुछ पहुंच गया, कख नहीं खेत तक अजे तक पहुंचे, लोगों का बुरा हाल आ। जे लोगों तक पहुंचे हो तो 500 रुपये बदले आ।